हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ममता, मैं आपके लिए आज बहुत ही स्वादिष्ट पनीर चाट की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने आलू चाट, समोसा चाट, मटर चाट तो बहुत ही खाया होगा। आज मैं आपके लिए यूनिक रेसिपी लेके आई हूँ पनीर चाट की, जो काफ़ी टेस्टी होता है। ये बच्चे बड़े सभी को काफ़ी पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहे और देखिए, काफ़ी ईजी रेसिपी है और इसे हम कैसे बनाते हैं, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर चाट बनाने के लिए देखिए फ्रेंड्स, हमने पनीर के छोटे छोटे टुकड़े को इस तरह से कट कर लिया है। एक गाजर को हमने धोकर छीलकर इसे कद्दूकस कर लिया है। एक प्याज बारीक काट लिया है, धनिया पत्ता बारीक काट लिया है। अब पनीर को हम कोट करेंगे। तो पनीर में देखिए, एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, एक चम्मच चाट मसाला और हल्का सा नमक ऐड करेंगे, क्योंकि नमक हम बाद में भी चाट में डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करके, कोट करके इसे 10 मिनट के लिए हमें ढककर रख देना है। तो सभी को डाल दिया है, अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और 10 मिनट के लिए रख देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, तब इसे हम सैलो फ्राई करेंगे। तो देखिए, हमने गैस पर पैन चढ़ा दिया है और इसमें हमने एक चम्मच तेल डाला है, ज़्यादा तेल नहीं डालना है। और मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से पनीर को फ्राई कर लेना है, बस हल्का सा कलर चेंज करना है। तो एक एक करके सारे पनीर को इस तरह से हम डाल देंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में जो बेल आइकन उसे प्रेस कर दे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो देखिए, एक तरफ से फ्राई हो चुका है, तो इसे हम पलटी कर देंगे। दूसरी तरफ से भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। तो अभी अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो गैस का फ्लेम बंद करके अभी से हम नीचे उतार के इसका हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, हमने प्लेट में फ्राई किया हुआ पनीर को इस तरह से हमें डाल देना है। इसके ऊपर हमने गाजर कस किया हुआ डाल देंगे। फिर हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। फिर डालेंगे हम बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। और अब हम डालेंगे इसमें एक चम्मच काला नमक हमने डाला है। नमक तो हमने पहले भी डाला है, तो नमक अंजाद से डालना है। और इसमें अब हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स की जगह आप लाल मिर्च का पाउडर या हरी मिर्च काट के भी डाल सकते हो। हमने एक चम्मच ऑरिगैनो डाला है। इसके बाद हम डालेंगे, देखिए ये लाल चटनी है, लाल चटनी को ऐड कर देंगे। और इसमें अब हम डालेंगे चिप्स। तो चिप्स को हमने हाथों से इस तरह से तोड़ लिया है, तोड़कर चिप्स को डाल देना है। चाट मसाला डालेंगे एक चम्मच, और इसमें हमने एक चम्मच हरी चटनी भी डाला था, वीडियो स्किप हो गया है। और फिर इसके ऊपर से हम डाल देंगे प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता। आप इसमें चाहो तो आप इसमें नींबू का रस भी डाल सकते हो, दही भी डाल सकते हो, अपनी अपनी पसंद से है। और इस तरह से देखिए, हमारा चाट बनकर, पनीर चाट बनकर तैयार है। तो देखिए, बहुत टेस्टी बना है, तो आप भी इसे ट्राई ज़रूर करें। और वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों में, फैमिली ग्रुपों में शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी चाट की रेसिपी कैसी लगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं अच्छी सी रेसिपी के साथ।